कहाँ से आए? भारत पंजाब से, उत्तराखंड से, यूपी खेत से, खेत से। ये जन सैलाब है, ये कोई संगठन नहीं है, ये भारत का किसान है, किसान के आह्वान पे आए हुए हैं। ये मीडिया को मतलब देखकर शायद आपको ये लग रहा है कि सिर्फ इसने आपने भारत ही कहा, खेत कहा, राज्य नहीं कहा, जिला नहीं कहा, गांव नहीं कहा, तो ऐसा क्यों? किसान है और खेत से आए हैं हम, किसी शहर से, किसी दुकान से, किसी महल से, किसी उससे उठ के नहीं आए। और इस त्रिपाल में यहाँ पर लाइन से सब इधर रजाई लगाए हुए मोटे तौर पर सो रहे हैं ऊपर आते हैं। इनकी फेक आइडिया बनी, वो जो आइडिया खोलते हैं, जो कमेंट खोलते हैं, उनकी प्रोफाइल लॉग्ड ही क्यों मिलती है, प्रोफाइल ऑन क्यों नहीं मिलती है, कि बिल वापस नहीं लेती वो सरकार, लेकिन अधिकतर संशोधन के ऊपर तैयार हो जाती। इसका कवर निकाल दें, इसमें से सिम निकाल दें, इसमें की बॉडी चेंज कर दें, पीछे ये कंपनी का नाम चेंज कर दें, बीच में रह क्या गया? क्यों दोस्त, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई भी आके ले ले, कोई भी खा ले? जी बिल्कुल। मोदी जी अगर मांगते हैं उनको भी दे दो, उनके लिए भी है। सर अभी हम लोग लंगर की सेवा के लिए आए हैं, तो जस्ट अभी आए हैं, तो जितनी भी सेवा हो सकती है वो सब कर रहे हैं। लंगर सिर्फ परोसते ही है या खाते भी हैं? खाते भी है सर, अभी पहले खाके आए हैं। मैं कह रही हूँ हमारी ये मर्यादा है, पहले पंगत फिर संगत। आज क्या खास है लंगर में? आज मटर पनीर, हाँ गर्मा गर्म एकदम दाल तैयार हो रही है, दाल मखनी। देखिए ये मोमेंट देखिए, ये संगठन है एक और, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, ये अपने शायद यहाँ पर अभी अभी पहुँचे हैं इधर। और कहाँ से आए बाबूजी, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? कहाँ से? भारत। ठीक, भारत से जो, भारत में कहाँ से आए? पंजाब से, उत्तराखंड से, यूपी? खेत से, खेत से। खेत से? पंजाब से? खेत से, खेत से, खेत पूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी बताइए, मीडिया को मतलब देखकर शायद आपको ये लग रहा है कि सिर्फ इसने आपने भारत ही कहा, खेत कहा, राज्य नहीं कहा, जिला नहीं कहा, गांव नहीं कहा, तो ऐसा क्यों? ऐसा जे कि इस आंदोलन को, आंदोलन को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसान हैं और खेत से आए हैं। हम किसी शहर से, किसी दुकान से, किसी महल से, किसी उससे उठ के नहीं आए, हम अपने खेत से उठ के आए हैं। देखिए बहुत सही बात, मैंने इनसे सवाल किया तो इन्होंने राज्य नहीं बताया, जगह नहीं बताई, इन्होंने खेत से कहा, ये कॉमन बात है। तो सोचिए कि कितना मीडिया ने क्या क्या बातें बोली होंगी, क्या क्या बातें कही होंगी, तो जो ये बारी भाषा पर आए आप लोग। हाँ बिल्कुल जी जी। तो अब ये बताइए कि केंद्र सरकार कह रही है कि बहुत सारे किसान समर्थन हमारे फेवर में आए, उन्होंने लेटर भी दिए, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? ऐसा कोई भी किसान नहीं आया है, ऐसा कोई भी किसान नहीं आया है। हम जो किसान जहाँ जो वहाँ जो गए हुए हैं, उनमें से कोई एक हमें दिखा दीजिए जो खेती करता हो। जी हाँ, आप बताइए उसमें से किस संगठन का आपने नाम लिया जिसने समर्थन दिया उसको? हमारा तो समर्थन नहीं है, अगर हमारा समर्थन होता तो हम यहाँ क्यों बैठते? वो फर्जी किसान है जो सरकार ने रात रात में संगठन बना दिए और उनका समर्थन ले लिया। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बोला है कि ये 40 संगठन जो आए हैं ये रातों रात उकर आ गए, ये 40 संगठनों के लिए बोला है। अगर रातों रात संगठन बनता है तो जन सैलाब नहीं होता है, ये जन सैलाब है, ये कोई संगठन नहीं है, ये भारत का किसान है, किसान के आह्वान पे आए हुए है। हम एक दुकानदार भी हैं, हम अपना बात, हम एक दुकानदार, एक मेन पॉइंट बता रहे हैं। मैंने एक रात में 12-1 बजे सोया, मैंने देखा एक किसानों का वीडियो लगा, उसके नीचे 1.3 के कमेंट था, हैरान हो गया मैं एकदम। उसे खोलने लगा, वो 99% नेगेटिव कमेंट थे, और मेरे दिमाग में आया जो 99% नेगेटिव पॉइंट है, इसमें असली कमेंट क्यों नहीं है? जब वो प्रोफाइल खोली गई, जब वो आईडिया खोली गई, ये जो आईटी सेल चलाते हैं, पता होगा आपको आईटी सेल का, जो भी हमें अभी का पता चला भी आईटी सेल भी कोई चीज है, ये जो चलाते हैं, इनकी फेक आईडिया बनी, वो जो आईडिया खोलते हैं, जो कमेंट खोलते हैं, उनकी प्रोफाइल लॉग्ड ही क्यों मिलती है, प्रोफाइल ऑन क्यों नहीं मिलती है? ये सब फेक आईडिया, आईटी सेल के जो काम कर रहे हैं उनके तनख्वाहें दी जाती है, मीडिया मैनिपुलेशन, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। अच्छा एक आखिरी सवाल इसमें ये है कि अगर मैक्सिमम संशोधन के लिए सरकार तैयार होती है, मैं दोनों बातें रख रहा हूँ, कि बिल वापस नहीं लेती वो सरकार, लेकिन अधिकतर संशोधन के ऊपर तैयार हो जाती है, तो ऐसे में नहीं बिलों में रह जाएगा, अगर संशोधन करती है तो बिल वापस ले ले, संशोधन करने आज मोबाइल है, आज उदाहरण देते हैं, आज मोबाइल है, इसका कवर निकाल दें,
इसमें से सिमें निकाल दें, इसमें की बॉडी चेंज कर दें, पीछे ये कंपनी का नाम चेंज कर दें, बीच में रह क्या गया, इससे बढ़िया मैं फोन ही ना चेंज कर लूं। इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, पूरा डिस्क्राइब किया है बिल को सिंबॉलिकली यानी सांकेतिक रूप से मोबाइल के साथ अटैच करके इन्होंने बड़ा खुलासा बेहतर तरीके से किया। आखिरी बात बोल दो बाबूजी, अब जल्दी से क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज सरकार का इसको अमेंडमेंट कर देंगे, वो जो डिब्बा है वो डिब्बा नानियों मानियों का है, कल को नानी मानी आके खड़े जाएंगे मेरा संशोधन और डाल दो, तो हम वो रहने क्यों दें, हम तो पूरा डिब्बा लेके खत्म करेंगे ना उसको। चलिए देखिए, इन्होंने भाई साहब ने डिब्बा की खत्म की बात की है, भाई साहब ने मोबाइल से बहुत अच्छे तरीके से सांकेतिक भाषा में चीज को क्लैरिफाई किया है। फ्रूट्स का भी माकूल बढ़िया इंतज़ाम है, किनू रखे हुए हैं और किनू भरपूर हैं, कोई भी आए, किसान धरने पर हैं, साइड में रख दिए हैं, पूरा ये ढेरी बहुत बड़ी लगी हुई थी, बहुत बड़ी ढेरी हुई थी, अब तो खैर कम हो गए और ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। किनू आइए, खाइए, इधर चले जाइए, लीजिए, कोई मनाही नहीं है, ये वही किनू है जिसको ये उगाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, वही सब किसान है ये। बाबू जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बाबू जी। संतरा किनू ऐसा जी, संतरा संगत के लिए मंगाया गया, जितना मर्जी कोई खाए कोई मना नहीं है, दो खाए चार खाए, अपने किसान भाइयों के लिए है, किसान भाइयों की चीज़ है, किसान भाइयों के लिए और किसान भाइयों ने उगाई है और किसान भाइयों के लिए है ये, जितना मर्जी कोई भी ले ले, कुछ कोई मर्जी ले ले, जितना मर्जी ले ले, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं, जब भी आओ आप भी ले जाओ, कोई मना नहीं है। मोदी जी अगर मांगते हैं उनको भी दे दो, हाँ उनके लिए भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, बेफिक्र होकर ले जाओ। ये तरीके से सब छटाई होकर आगे निकलते हैं। क्यों दोस्त, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई भी आके ले ले, कोई भी खा ले? जी बिल्कुल। देखिए बड़े दम खुला हुआ किनुआ यहाँ पर, कोई भी आके ले ले खा ले, और लंगर में सिर्फ पका हुआ खाना, मतलब जो खाना जो बनता है हम खाते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी जो भी है वो तो सब है ही है, इसके अलावा फ्रूट्स हैं, पैकेट फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, मिनरल बॉटल्स हैं, जो पैकेट नहीं इस तरह के बनानाज हैं, तो ये अलग 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 जितना भी टेस्ट है वैरायटी है वो सब आपको इन जगहों पर मिलेगी, क्योंकि ये एक पार्ट है किसका, लंगर का, और लंगर का सीधा संबंध जो है वो सूफीज़म से है, सूफीज़म की यही एक ख़ास चीज़ है, ख़ास करामत है जो एक दूसरे को जोड़ती है, इंसानियत को इंसानियत के साथ जोड़ती है। मज़हब की यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मज़हब है या कम्युनिटी है वो सब यहाँ पर कुछ नहीं है, सब जो भी है वो सब समभाव है, एक भाव है। ये ऊपर का सेक्शन है और ऊपर के सेक्शन में आज यहाँ पर अलग है, क्यों भाव जी, गर्मा गर्म भापे उठ रही हैं। हाँ जी, लंगर बन रहा है जी, पब्लिक इधर ठंड में सिकुड़ रही है, हाँ इधर गर्मी लंगर बना रहा है बाबा जी, कोई बात नहीं, तो मैं बता छको आप आज क्या खास है लंगर में? आज मटर पनीर, मटर पनीर, मटर शाही पनीर, मटर शाही पनीर जी। क्या बात है भाजी, मन मन हंसी आ रही है चेहरे पर, हो रहा कैमरा जी जी, बताइए। हाँ आज तो मटर पनीर का खास आइटम है जी जी जी, आज मटर पनीर का है यहाँ तो जैसे। आप कहाँ से आए हो? हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में कहाँ से? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से जी, रुद्रपुर हल्द्वानी से पहुँचे जी 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 जी। तो ये लंगर लगातार आपका रोज चलता रहता है, अलग रहता है सब? ये हमारे कार सेवा मुखी बाबा बच्चन सिंह जी, उनकी सेवा चल रही है, वहाँ से संगत इकट्ठी होके आती है। गर्मा गर्म एकदम दाल तैयार हो रही है, दाल मखनी। हाँ जी, ये अभी कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? इसको बनने में आधा घंटा तो लग जाएगा। आधा घंटा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लगातार ऐसी बनती रहती है? ऐसी बनती रहती है। हाँ जी हाँ जी। ये प्रोसीजर जो है ना, ये प्रोसीजर चलता रहता है, देखिए ये पूरा इधर सिस्टम सारा, ये सारा उधर देख लीजिए, पूरा किचन किचन सारा सब ये ओपन में है, इधर चाय है जो लगातार चलती रहती है, इधर चाय है और उधर जो और कुछ आइटम है कहिए, जो इस तरीके से मूवमेंट चलते रहते हैं, टेंडर भी इधर है और चाय भी गर्मा गर्म चाय भाव जी। अरे क्या बात है, चाय निकल के जारी रहता है हमेशा। दूध कोई पत्ती लगा रखी बाबा? दूध में पत्ती। दूध कहाँ से आ रहा है? वह दूध आ रहे हैं पिंडा से। पिंडा से आ रहे हैं? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से, यूपी से, पंजाब से, सब बाहर से दूध आ रहा है इधर सीधा, ऐसा नहीं है कि दिल्ली का पैकेट फाड़ा और डाल दिया, बढ़िया दूध आता है। इससे पहले भी मैंने चाय वाला दिखाया था, मदन डेयरी से भी आ रहे हैं, दिल्ली से। मदन डेयरी का भी है? हाँ बिल्कुल, मदन डेयरी के भी, उन्होंने बात की क्योंकि खपत ज़्यादा है और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बच्चे महिला पुरुष जिसको जो लगता है कि उसके जिम्मेदारी में वो काम है वो काम करने लगते हैं। यहाँ पर पालक को मतलब अलग अलग को साफ किया जा रहा है, अब ये किसने किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है,
इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, गाजर है, मूली है, सबकी कटाई हो जाए। कहाँ से हैं आप लोग? सर मोहाली से, चंडीगढ़। मोहाली चंडीगढ़ से। तो ये खाली पालक किस लिए? सर अभी हम लोग लंगर की सेवा के लिए आए हैं, तो जस्ट अभी आए हैं, तो जितनी भी सेवा हो सकती है वो सबनी कर रहे हैं। अपने तरीके से कर रहे हैं जी। तो लगता है आपको कि ये सब मूवमेंट में कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीली आएगी? इधर दोस्त इधर बताओ। सरकार को तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये सब लोग अगर इधर आए हैं तो अपनी मजबूरी से ही आए हैं। तो लंगर में आज क्या क्या है? लंगर में सर देखते हैं जो... आपके लंगर में क्या है? बाकी सब तो मैं कवर कर ही रहा हूँ अलग अलग, आपके क्या है? यहाँ पर सर देखते हैं हमें तो जो काम मिला हम तो वो कर रहे हैं। अच्छा, जो हमें लगा कि हमें करना चाहिए काम पड़ा। लंगर सिर्फ परोसते ही है या खाते भी हैं? खाते भी है सर, अभी पहले खा के आए हम। पहले खा के आए? हाँ जी, मतलब पहले देने से पहले ही चख लिया। हाँ जी। कहाँ से आए अभी हम? अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हम? चंडीगढ़ मोहाली से। सारे चंडीगढ़ मोहाली? जी जी जी। हाँ माता जी, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ हमारी ये मर्यादा है, पहले पंगत फिर संगत, पहले हम लंगर छकते हैं फिर मत्था टेकते हैं, ये हमारी गुरुओं की मर्यादा है ये हमारी। अच्छा, अच्छा। हमारी तो अब ये बताइए माता जी, आज आपके स्टॉल पर क्या नई चीज़ें खाने के लिए? हमारे यहाँ गिनती नहीं, हमें खुद नहीं पता चलता कौन कौन सी चीज़ें, हम आपको गिनकर दिखाए कि क्या खाने में आ क्या नहीं। या तो चार पाँच तरह का मीठा ही आ रहा, सब्जियों को तो कोई पता नहीं चल रहा अभी कितनी सब्जियाँ आ रही, सलाद आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। मतलब इतनी वैरायटी है कि शायद आप मतलब उनको थक जाएंगे गिनते हुए। देखिए जो निहंग हैं, मैंने पहले ही बताया था, सब यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, सलाद काटने पे लगे हुए हैं, बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष, जिसको जो लगता है जैसे लगता है जिस तरीके से लगता है वो अपनी अपनी सेवा यहाँ सर्दी को भगाने के लिए, जब सब कुछ सुकून के पल होते हैं तो यहाँ पर सब आराम से इस वक्त में सोते हैं, क्योंकि सर्दी है इसलिए उसका ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए पूरी ट्रॉली है साथ में, ये पूरा ट्रक है, ट्रक है बाकायदा, ये देखो ये ट्रक है, और ट्रक क्योंकि हवा की आड़, हवा ना आए तेरी से, उसको ये शेड डाला हुआ है प्लास्टिक का, ये तिरपाल डाली हुई है, और इस तिरपाल में यहाँ पर लाइन से सब इधर रजाई लगाए हुए मोटे तौर पर सो रहे हैं। ऊपर धूप है क्योंकि कड़कती सर्दी है, तेज़ हवा है, तो ऐसे में ये बचाव ज़रूरी होता है। और इस तरीके से ये वाकई में ये बड़ी बात है कि इस तरीके से और इस स्ट्रगल में यहाँ पर आकर इस मूवमेंट को चलाए रखना दिन रात, क्योंकि लगातार चल रहा है, 24 घंटे चल रहे हैं। क्यों बाबू जी सर्दी वर्दी? चलिए कोई बात नहीं, आराम 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 करने दें, आराम ज़्यादा ज़रूरी है, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हद तक आपके पास यहाँ चीज़ें आ गई होंगी।